Journey Academy. I am Shraddha Goyal, your English educator. Students, today we are going to start our English book and its first chapter, that is The Lost Child. Students, आज हम English book से start करने वाले हैं, जिसका first chapter है The Lost Child. So students, are you all excited because we are starting our new book, new chapter? तो ऐसा होता है ना कि जब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि न्यू चैप्टर में क्या नया सीखेंगे, क्या नया पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, विच इज द लॉस्ट चाइल्ड. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये पिक्चर बहुत ही प्यारी पिक्चर है. आपको देख कर पता चल रहा होगा कि ये पिक्चर क्या दृश्य दिखा रहा है, क्या सीन है इसमें. जैसे कि पिक्चर देखते ही स्टूडेंट्स पता चल रहा है एक मेले का सीन है. ये एक बच्चा है, द लॉस्ट चाइल्ड, जिस चाइल्ड के बारे में बात की गई है वो चाइल्ड है. ये उसके हाथ को उसका मम्मी ने पकड़ रखा है, ये उसके फादर है. तो लॉस्ट चाइल्ड, लॉस्ट चाइल्ड का क्या मतलब होता है? बच्चा जो गुम गया, ऐसा ही. अब देखते हैं इस स्टोरी में क्या कहा गया है. तो बेसिकली हमें एक मेले का दृश्य दिखाया गया है, ठीक है. अब देखिए, थोड़ी सी ये समरी दे रखी है यहाँ, हम पहले वो पढ़ते हैं उसके बाद हम आगे चलते हैं. अ चाइल्ड गोज टू फेयर. फेयर क्या होता है स्टूडेंट्स? मेला. अभी हमने मेले का जो दृश्य देखा, जो पिक्चर देखी वो. अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स. एक बच्चा है जो कहाँ जाता है? मेले में जाता है. किसके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ. ही इज हैप्पी. इज आया है, हम ग्रामर के रूल्स भी थोड़े बहुत देखते चलेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, इज यानी प्रेजेंट टेंस की बता रहा है कि ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड. वो क्या है? हैप्पी है और क्या है? एक्साइटेड है, ठीक है. हैप्पी यानी खुश होना, एक्साइटेड हम ऐसे कहीं जाते हैं घूमने वूमने के लिए तो हम एक्साइटेड रहते हैं ना, तो वो खुश भी है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है. एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर. डिस्प्लेड का क्या मतलब होता है? डिस्प्ले आपने सुना है, डिस्प्ले आपको पता होगा क्या होता है. डिस्प्ले यानी दर्शाई गई, ऐसे बहुत सारी चीजें वहां रखी गई है, स्वीट्स है, टॉयज है. अब मेला है, मेले में तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है. तो वैसे ही वो क्यों एक्साइटेड है, क्यों हैप्पी है? क्योंकि वो मेले में गया है और उसको क्या चाहिए? Wants the sweets and toys. उसे मिठाइयाँ चाहिए, उसे खिलौने चाहिए जो कि वहाँ डिस्प्ले कर रखे हैं, ठीक है. अब मेला है, सब कुछ ऐसे दिखा दिखा कर रखा हुआ होता है ना सारा सामान, जिससे जो कस्टमर्स हैं उनको देखकर आकर्षित हो, उन्हें खरीदें. But his parents don't buy them for him. लेकिन अब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको तो हर चीज अच्छी लगती है, उन्हें हर चीज चाहिए होती है. लेकिन पेरेंट्स जो है, उस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, उसको वो खरीद कर नहीं दे रहे हैं. हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके लिए वो चीज खरीद नहीं रहे हैं. व्हाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. फिर ऐसा क्या हो जाता है कि जब कोई और, someone else यानी जब कोई और ऑफर करता है, ऑफर यानी उसको देता है, ऑफर करता है कि तुम ये ले लो, मिठाई ले लो या टॉयज ले लो, तो जब कोई और उसे ऑफर करता है तो वो रिफ्यूज क्यों कर देता है? रिफ्यूज का क्या मतलब होता है? मना कर देना, डिनाय, ठीक है ना, मना कर देना. वो क्यों नहीं लेता? ऐसा क्या होता है कि पहले तो ऐसा होता है जब वो मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, उसको सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, टॉयज चाहिए, मिठाइयाँ चाहिए. फिर जब कोई पर्सन उसे वो दिला रहा होता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स तो उसे नहीं दिलाते हैं, कोई और उसे जब दिला रहा होता है तब वो रिफ्यूज कर देता है, वो मना कर देता है. तो ऐसा क्यों? वाई? तो देखते हैं इस वाई का आंसर क्या है. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. देखिए पिक्चर, एक लड़का है, स्वीट्स चॉकलेट्स वगैरह है, खिलौने विलौने हैं. तो नेक्स्ट इज, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग क्या होती है? फेस्टिवल होती है. स्प्रिंग फेस्टिवल पता ही होगा, वसंत ऋतु की बात हो रही है. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ द नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी. क्या फेस्टिवल है? स्प्रिंग यानी वसंत
ऋतु का मौसम चल रहा है, वसंत ऋतु का फेस्टिवल है, फेस्टिवल इन सेंस मौसम है, मतलब वसंत ऋतु आई भी है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, नैरो लेन्स क्या होती है, नैरो क्या होती है स्टूडेंट्स, नैरो होती है संकरी, संकरी होती है ना पतली सी गलियां, तो नैरो लेन्स एंड एलीज, एलीज का मतलब भी क्या होता है गलियां होता है, क्या होता है गलियां, गलियां पता ही है सबको, गली होती है सबके, ठीक है। तो संकड़ी ये जो गलियां वगैरह है एमर्ज्ड किससे भरी हुई है, क्या दृष्टिकोण है वहां का, अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, यानी उल्लास से भरी हुई मानवता, यानी जो रोड है जो गलियां है वो किससे भरी हुई है, वो उल्लास खुशी से भरी हुई मानवता, मतलब बहुत सारे लोग हैं वहां, बहुत ही खुश खुश है, सारी जो गलियां हैं वो किससे फुल हो रखी है, भरी हुई है, क्या हो रहा है वहां, लोग क्या कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ सम वॉक्ड, कुछ चल रहे हैं, सम रोड ऑन हॉर्सेस, हॉर्सेस यानी घोड़े की सवारी कर रहे हैं, राइड का पास्ट टेंस होता है स्टूडेंट रोड, तो कुछ है जो चल रहे हैं, कुछ है जो कुछ चल रहे थे, कुछ है वो घुड़सवारी कर रहे थे, अदर सेट कुछ बैठे थे कहाँ, बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, बुलक कार्ट्स पता है ना वो छकड़ा वगैरह जिसे कहते हैं हम, जो बैम्बूज की बनी जो बुलक कार्ट्स थी कुछ उसमें बैठकर उसकी सवारी ले रहे हैं, तो इस तरह से क्या थी जो गलियां थी, जो एलीज, जो संकरी जो गलियां थी वो सब पूरी जो है वो लोगों से भरी हुई थी, लोग कुछ ना कुछ वहां काम कर रहे थे, कोई चल रहा है, कोई घुड़सवारी कर रहा है, कोई बुलक कार्ट्स में बैठा है, कोई यूं पैदल चल रहा है, तो इस तरह से हमें व्यू बताया गया है मेले का। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, एक छोटा सा बच्चा रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, बिटवीन हिज फादर लेग का मतलब ये नहीं है कि पापा के पैरों के बीच में से, ऐसा है कि मतलब ऐसे है कि वो भागता हुआ, यहाँ वहाँ बच्चे होते हैं छोटे रहते हैं मेले में जाते हैं तो एक्साइटेड होते हैं, यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, तो पेरेंट्स बोलते हैं भागो मत, तो वही चीज यहाँ दिखाई गई है, एक छोटा बच्चा है जो अपने पापा के पैरों में से मतलब यहाँ वहाँ हो रहा है और ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, यानी खुशी से जिंदगी को जी रहा है उस मेले में, ठीक है। नेक्स्ट इज कम चाइल्ड कम, कम चाइल्ड कम, देखिए एक अच्छी सी पिक्चर रखी है मैंने आपके लिए, कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लेफ्ट बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे, क्या मतलब हुआ इसका, वो बच्चा है मेले में अपने पेरेंट्स के साथ गया है, वो भाग रहा है यहाँ वहां भाग रहा है, तो उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं, उसके पेरेंट्स कहते हैं कम चाइल्ड कम कि बच्चा आ जाओ, एज ही लैग्ड बिहाइंड, लैग्ड बिहाइंड क्या होता है, बिहाइंड यानी पीछे, लैग यानी पीछे ही छूट जाना, वो पीछे ही रह जाता है, मतलब पेरेंट्स आगे आगे चलते हैं, वो यहाँ वहां ऐसे घूमता रहता है, देखता रहता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है, तो उस चक्कर में क्या है वो ही लैग्ड बिहाइंड, वो पीछे ही छूट जाता है, तो उसके पेरेंट्स उसे बार बार आवाज देते हैं कि कम चाइल्ड कम, और वो पीछे क्यों छूट रहा है, फैसिनेटेड बाय द टॉयज, फैसिनेटेड यानी मोहित हो जाना, क्या आकर्षित हो जाना टॉयज, जो शॉप्स में जो टॉयज है उसकी उस पर वो क्या देखते हैं ना बच्चे, तो क्या आकर्षित हो जाते हैं कि वाओ कितने सुंदर टॉयज है मुझे चाहिए, ये सब उसके माइंड में चलता है, तो उन टॉयज वगैरह को देखने के चक्कर में वो पीछे छूट जाता है, कौन से टॉयज, जो शॉप्स में दैट लाइन द वे, यानी शॉप्स की ऐसी लाइन लगी हुई होती है तो उनमें से कोई टॉयज की शॉप भी है तो वो वहीं पीछे छूट जाता है। ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अब उसके पेरेंट्स ने उसे आवाज लगा ली तो वो भागता हुआ कहाँ जाता है, अपने पेरेंट्स की तरफ, टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स यानी अपने पेरेंट्स की तरफ, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, ओबीडियंट क्या होता है, आप लेटर लिखते हैं लास्ट में आप लिखते हैं ना योर्स ओबीडियंटली, तो ओबीडियंट क्या होता है, ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, तो उसके जो पैर है, इसके जो फीट है, उसके जो पैर है वो क्या है, कॉल पर आज्ञाकारी है, कॉल पर यानी जैसे उसके फादर ने उसके पेरेंट्स ने उसको आवाज लगाई, उसके जो कदम है फटाफट उसके अपने पेरेंट्स की ओर भागे चले गए,
विच शोज कि वो कितना ओबीडियंट है, उसके जो लेग्स है वो कितने ज्यादा ओबीडियंट है कि जैसे ही आवाज लगाई वो भागता हुआ अपने पेरेंट्स की ओर चल पड़ा। लेकिन उसके जो आईज है, हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। लिंगरिंग यानी चाहत होना किसी चीज की बहुत ज्यादा, तो उसकी जो आईज है अभी भी कहाँ अटकी हुई है, उन टॉयज पे। उसका ध्यान तो पीछे ही है लेकिन उसके जो कदम है वो अपने पेरेंट्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वो भागता हुआ अपने पेरेंट्स की ओर जाता है लेकिन उसकी जो नजरें होती है वो उन्हीं टॉयज पे अटकी हुई रहती है। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. As he came to where they had stopped, जैसे ही वो वहां पहुंचा जहां वो लोग रुके थे, he could not suppress the desire of his heart. वो अपने जो दिल की डिजायर थी, जो इच्छा थी, उसको सप्रेस नहीं कर पा रहा था, उसको पूरा नहीं कर पा रहा था, उसको रोक नहीं पा रहा था। मतलब उसका दिल अभी भी कहाँ था, उन टॉयज में था। वो अभी भी उन टॉयज को पाना चाहता था, तो उसका जो दिल है वो अभी भी वहीं अटका हुआ था। इवन थ्रू ही वेल न्यू यानी उसको पता था, उसको वैल्यू यानी बहुत अच्छे से पता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, कि उसके जो पेरेंट्स की आंखों में जो कोल्ड, ओल्ड और कोल्ड, ओल्ड यानी पुराना, जो कोल्ड यानी वो गुस्सा वाला जो रिफ्यूजल होता है, कि उसको पता है एकदम रूखे व्यवहार में वो रिफ्यूज कर देंगे। उसको पता है कि उसकी इच्छा है टॉयज लेने के लिए लेकिन वो जानता है कि जो पेरेंट्स है वो रिफ्यूज कर देंगे। फिर भी वो क्या कहता है, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। वो प्लीडेड मतलब ऐसे एकदम मासूमियत के साथ, वो प्लीज टाइप में, हम कुछ, हमें कुछ मांगना होता है तो हम एकदम ऐसी शक्ल बनाते हैं प्लीज करके, तो वैसे ही वो प्लीड करता है अपने पेरेंट्स को कि आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो टॉय चाहिए। फिर हिज फादर लुक एट हिम रेड आई यानी गुस्से भरी आंखों से उसके जो फादर है उसकी तरफ देखते हैं। इन हिज फैमिलियर ट्राइंड वे, व्हाट इज ट्राइंड, ट्राइंड क्या होता है, फैमिलियर तो आपको पता है फैमिलियर क्या होता है, कि उनका जो फैमिलियर जो वे था देखने का वो गुस्से भरी आंखों से देखते हैं। ट्राइंड क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्राइंड इज ताना शाह। तो तानाशाही जो लुक होता है उसमें देखते हैं। एक्चुअली पेरेंट्स ऐसे होते नहीं है और ना ही इसके हैं, मतलब एक्चुअली क्या होता है ना कि बच्चों की आदत होती है, उन्हें हर चीज चाहिए होती है। अब जरूरी नहीं है हर एक पेरेंट्स उस चीज को अफोर्ड कर सके, तो कई बार क्या होता है बच्चे मानते नहीं है तो एक हार्श लुक दे देते हैं पेरेंट्स, तो वो बच्चे को क्या लगता है उस टाइम कि मेरे पापा तो ऐसे ही है, मेरी मम्मी तो ऐसी है, मुझे कुछ दिलाते नहीं है। तो वही चीज है कि उसको ऐसा लगता है कि पापा का वही तानाशाही वाला लुक मुझे देखने को मिला है, तो उसके पापा उसको जो लुक देते हैं वो उसको ऐसा लगता है कैसे एकदम गुस्सा भरा और तानाशाही वाला लुक था। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि वो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है, फिर चीजें देखता है और उसका मन करता है लेने का मिठाइयाँ टॉयज, पर उसको पता होता है कि पापा जो है मानेंगे नहीं। फिर चलता है टॉयज के शॉप पे, रुक जाता है, उसके पापा उसको आवाज़ देते हैं, उसके पेरेंट्स आवाज़ देते हैं, वो भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास आ तो जाता है लेकिन उसका मन, उसका, उसकी नज़रें अभी भी टॉय शॉप पे अटकी हुई हैं। और फिर वो अपने जो डिज़ायर है, अपनी इच्छा को वो रोक नहीं पाता और वो कह देता है अपने पेरेंट्स को कि मुझे वो टॉयज चाहिए, और उसके जो पेरेंट्स है, उसके जो फादर है, वो उसको एक कोल्ड लुक देते हैं, एक रूखा सा लुक देते हैं और वो समझ जाता है कि नहीं मिलना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड स्टूडेंट्स,
पेरेंट्स उसको अब बुला रहे हैं और वो अपने पेरेंट्स की तरफ आ जाता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे टॉयज चाहिए और उसको पता है उसके जो पेरेंट्स हैं उसके पापा ने उसको एक कोल्ड लुक दिया है, ठीक है, तो वो समझ जाता है कि मुझे नहीं मिलेगा। इसके बाद हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। अब क्या होता है, उसके पापा ने तो उसको आंखें दिखा दी, लेकिन माँ जो होती है उसका तो दिल आपको पता ही वैसे ही कोमल होता है, और उसकी मम्मी क्या करती है फिर, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, टेंडर का मतलब क्या होता है, कोमल, ठीक है। तो उसकी माँ जो है वो थोड़ी पिघल सी जाती है उसका फेस देखकर और उसको अपना फिंगर देती है टू होल्ड, फिंगर तो समझ गए ना, अंगुली देती है पकड़ने के लिए, तो एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, अपना फिंगर देती है होल्ड करने के लिए, और क्या कहती है, कहती है लुक चाइल्ड, देखो बच्चा, मतलब अपने बेटे को बोलती है बेटा वहां देखो, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। एक अंगुली उसको पकड़ने के लिए देती है और उसको एक तरफ इशारा करते हुए बताती है कि देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, मस्टर्ड आप सभी को पता होगा सरसों, तो और फील्ड क्या होती है खेत। तो उसकी मम्मी ने उसको क्या दिखाया था, उस बच्चे को सरसों का सुंदर सा खेत दिखाया था, मस्टर्ड यानी सरसों, फ्लावरिंग यानी बहुत ही सुंदर फ्लावर से भरा हुआ मस्टर्ड का फील्ड दिखाया था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पेल क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेल, पेल मींस येलो, पीला कहते हैं ना, पेल फेस, एकदम मुरझाया हुआ सा पीला पड़ा हुआ फेस, तो पेल क्या होता है पीला। तो जो मस्टर्ड फील्ड थी उसके बारे में बता रखा है, उसको डिस्क्राइब किया गया है कि जो मस्टर्ड फील्ड था वो किस तरह से लग रहा था, किस तरह से दिख रहा था, तो कैसा लग रहा था वो, एकदम पेल यानी एकदम पीला येलो, जैसे कि मेल्टिंग गोल्ड, गोल्ड पिघल गया हो, मेल्ट हो गया हो, ऐसा मेल्टिंग गोल्ड। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑन इवन लैंड, कि ऐसा लग रहा था कि जो मस्टर्ड फील्ड है वो पीले एकदम मेल्ट किए हुए गोल्ड की तरह, और ऐसा लग रहा था मानो ये स्वेप्ट अक्रॉस मतलब फैल चुका हो कहां, माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, जो लैंड है उस पे दूर बहुत दूर तक ये जो गोल्ड है वो एकदम से फैल चुका हो, ऐसा वो जो मस्टर्ड फील्ड है वो लग रहा था। A group of dragonflies were bustling over about on their gauzy purple wings. और क्या हो रहा था वहां, अब खेत वेत होते हैं तो उसमें थोड़े बहुत इंसेक्ट्स वगैरह घूमते रहते हैं ना, और येलो सरसों पर कौन सा वाला जो इंसेक्ट है वो घूमता है, तो देखिए यहाँ बताया गया है कि अ ग्रुप ऑफ ड्रैगनफ्लाइज, ड्रैगनफ्लाइज ये होती है, ठीक है, इस तरह का होता है ड्रैगनफ्लाई, आपको पता ही होगा। तो ग्रुप ऑफ ड्रैगनफ्लाई यानी पूरा झुंड था ड्रैगनफ्लाई का, वर बस्टलिंग अबाउट ऑन, वो एकदम से परेशान कर रहे थे, बस्टल हो रहे थे एकदम किस पे, ऑन देयर गॉजी पर्पल विंग, गॉजी क्या होता है स्टूडेंट्स, गॉजी मीन्स बहुत ही चमकीला, बहुत ही भड़कीला सा कलर, तो बहुत ही चमकीला सा एकदम, ठीक है ना, बहुत ही ब्राइट, ठीक है, पर्पल विंग्स थी। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, इंटरसेप्टिंग, ये जो ड्रैगन फ्लाइज है वो क्या कर रहे थे, इंटरसेप्ट कर रहे थे, इंटरसेप्ट यानी बीच बीच में दखल अंदाजी करना, परेशान करना, किसको, फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी, ब्लैक बी और जो बटरफ्लाइज थी, जो किसके सर्च में निकली थी, जो फ्लावर से स्वीटनेस मिठास की सर्च में जो निकली थी, उनको बार बार परेशान कर रहा था कौन, ड्रैगन फ्लाई। तो स्टूडेंट्स एक सीन दिखा रखा है, सरसों के खेत का सीन है ये, कि उसकी मम्मी उसको इशारा करते हुए बताती है कि वहां देखो बेटा आपके सामने क्या है, और वो क्या देखता है, बहुत ही सुंदर सा सरसों का खेत, ऐसा लग रहा हो मानो कि सोना पिघल कर दूर दूर तक जो जमीन है उसमें फैल चुका है, और जो ड्रैगन फ्लाइज है वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं जो
बटरफ्लाई है, ब्लैक बी है, जो स्वीट फूल में से जो मिठास निकलती है उसके सर्च में आया है, तो उनको परेशान वरेशान कर रहा है। तो ऐसा एक दृश्य आपको दिखाया गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स, द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विथ हिज गेज। गेज क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेज? गेज मतलब होता है एक तक देखना, ठीक है। तो जो बच्चा था ये दृश्य उसने देखा और वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि फॉलोड दैम इन द एयर, वो इन सब तितलियों के पीछे, ड्रैगन फ्लाइज के पीछे एक तक नजर रखते हुए उनके पीछे भागता है। विथ हिज गेज यानी एक तक नजर रखता है उन पर, और हवा में जैसे वो उड़ती है उनके पीछे पीछे वो उनको फॉलो करता है। और कब तक? टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट। कब तक उनके पीछे भागता है? जब तक कि वो जो बटरफ्लाइज है वो कहीं रुक कर रेस्ट नहीं कर रहे, अपने विंग्स को स्टिल यानी स्थिर नहीं कर लेती, वो कहीं बैठती नहीं है रेस्ट के लिए, तब तक वो उनके पीछे पीछे भागता रहता था। हम बचपन में हम देखते थे ना बटरफ्लाइज वगैरह देखते थे, हम सोचते थे इसको पकड़ लें, तो वैसे ही ये बच्चा क्या करता है कि बटरफ्लाइज के पीछे पीछे भागता है, वेट करता है कि वो कहीं रुके, ठीक है, वो अपने विंग्स को थोड़ा सा आराम दे, वो कहीं बैठे और उसको पकड़ लो। एंड ही वुड ट्राई, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और क्या कोशिश करता है कि वो कहीं रुके, जो बटरफ्लाइज है कहीं रुके और वो उसे पकड़ ले, कैच कर ले। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर। लेकिन हम जब पकड़ते तो क्या होता था, बटरफ्लाई आ जाती थी क्या हमारे पकड़ में? नहीं, वो जैसे ही उसको पता चलता है कोई उसको पकड़ने वाला है वो उड़ जाती है। तो वैसे ही जैसे ही वो ट्राई करता उस बटरफ्लाई को कैच करने की, तो बटरफ्लाई क्या करती थी, फ्लटरिंग फ्लैपिंग, फड़फड़ाते हुए अपने पंखों को फ्लैप करते हुए वो क्या करती थी, अप इनटू द एयर, आकाश में थोड़ी ऊपर उड़ जाती थी। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड, ऐसा लगता मानो उसने ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया है, पर जैसे ही वो उसको पकड़ता इतने में तो वो उड़ जाती। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल। कॉशनरी कॉल क्या होता है, उसकी मम्मी ने उसको आवाज लगाई, कॉशनरी यानी मतलब एक होता है ना रिमाइंडर कॉल कि बेटा आ जाओ, ठीक है ना, उस तरह का एक उसको कॉल देती है उसकी मम्मी। कॉल मीन्स वो वाला कॉल नहीं, आवाज देती है, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ। क्या कहती है उसकी मम्मी कि बेटा आ जाओ कहाँ, पगडंडी पर। फुटपाथ मीन्स पगडंडी, फुटपाथ पता ही है, रोड पर एक फुटपाथ होता है चलने के लिए फॉर पेडेस्ट्रियंस। तो उसकी मम्मी क्या कहती है कि बेटा आ जाओ फुटपाथ पे आ जाओ। अब he ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out of their hiding places to enjoy the sunshine. अब उसकी मम्मी ने उसको एक आवाज लगाई थी कि बेटा आ जाओ फुटपाथ पे आ जाओ, तो वो क्या करता है अपने पेरेंट्स की तरफ भागता हुआ जाता है, और फिर क्या होता है, भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास चला तो जाता है, और वॉक अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, मतलब जो वॉक कैसे करता है, वो अपने ही धुन में वॉक करता रहता है, और फॉर अ वाइल, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और अपने ही धुन में क्योंकि वो चलता रहता है, और वापस वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो पीछे छूट जाता है। सून लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट बिहाइंड यानी वो वापस पीछे छूट जाता है, क्यों, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, किससे अट्रैक्ट होकर, अब उसको क्या दिख जाते हैं, उसे छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं ना, इंसेक्ट्स होते हैं, वॉर्म्स है, अलोंग द फुटपाथ, फुटपाथ के किनारे किनारे जो इंसेक्ट्स है, जो वॉर्म्स है वो दिख जाते हैं, उनसे वो अट्रैक्ट हो जाता है, वो वापस उसके पेरेंट्स थोड़े आगे निकल जाते हैं और वो पीछे छूट जाता है। और ये जो इंसेक्ट्स, ये जो वॉर्म्स है, ये क्यों आए हैं, दे दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन,
और ये जो इंसेक्ट्स और वर्म्स है वो अपनी हाइडिंग प्लेसेस क्या होती है आपको पता ही होगा, अपने छुपे हुए स्थान से, मतलब ये ऐसे थोड़ी ना कि हर जगह हर बार घूमते ही रहते हैं, ये इनका कोई घर वर भी तो होता है, तो ये अपनी हाइडिंग प्लेसेस से इकट्ठे होकर झुंड में ये सब निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? टू एंजॉय द सनशाइन, जो सनशाइन है उसको एंजॉय करने के लिए ये सब जो है, ये जो इंसेक्ट्स जो वर्म्स है जो इस बच्चे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये टीम अप करके बाहर निकलते हैं एंजॉय सनशाइन को एंजॉय करने के लिए। और इन सबको देखकर बच्चा है वो अट्रैक्ट हो जाता है और उसके पेरेंट्स थोड़े आगे निकल जाते हैं, वो थोड़ा सा पीछे छूट जाता है उनको देखने के लिए। फिर वापस क्या होता है, कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। जैसे वो पीछे छूट जाता है, वो उन वर्म्स और इंसेक्ट्स में बिजी हो जाता है उनको देखने में, तो उसके पेरेंट्स की वापस उसको एक आवाज सुनाई देती है, उसके पेरेंट्स वापस उसे आवाज देकर बुला रहे हैं, कहते हैं आजा बेटा आजा। कहाँ से आवाज दे रहे हैं उसको? फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव। शेड क्या होती है? छाया, छाव को कहते हैं शेड। किस किस कहाँ किस छाया में बैठे हैं? ऑफ अ ग्रोव, एक बागान है, एक बगीचा जैसा है, उसकी शेड में बैठे हैं वो, छाव में बैठे हैं। Where they had seated themselves, जहाँ उन्होंने जहाँ वो बैठ रखे हैं, on the edge of a well, well तो पता ही क्या होता है, well के edge यानी किनारे पर जहाँ वो लोग बैठे हैं, वहाँ से उसके parents उसको आवाज़ देकर अपने पास वापस बुलाते हैं। Students यहाँ तक आपको I hope अच्छे से समझ में आया, आप story में आप interest ले रहे हैं, बहुत ही interesting story है, interest के साथ पढ़िए और इस story को इस तरह से पढ़िए कि जब आप क्वेश्चन आंसर्स करें तो आपको आंसर्स को रटने की जरूरत नहीं पड़े, क्वेश्चन देखकर आप अपनी लैंग्वेज में आंसर्स को फॉर्म कर सके, और ये तभी पॉसिबल है जब आपने जो स्टोरी है उसको बहुत अच्छे से सुना होगा, ध्यान से आपने इसके एक एक वर्ड्स देखे होंगे, इसकी वोकैब पर ध्यान दिया होगा, तब क्या होगा, तभी तो आप जब आंसर करेंगे तब आप अच्छी वोकैब के साथ आंसर को फ्रेम कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि उसके जो फादर है, उसके मदर है, जो पेरेंट्स है उसके, वो एक शेड में, एक छाव में बैठे हैं वेल के किनारे पर, ठीक है, ग्रोव में। फिर उसको आवाज लगाते हैं और अब वो क्या करता है, ही रैन टुवर्ड्स देम, वो बच्चा अपने पेरेंट्स की तरफ भागा हुआ जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. A shower of young flowers. Shower क्या होता है आपको पता ही है ना, आप नहाते हैं वो शावर चलाते हैं, तो वैसे ही इस बार आप नहाते हैं तो पानी का शावर होता है, बट यहाँ जैसे ही वो अपने पेरेंट्स के पास भागते हुए आया तो उस पर किसकी शावर हुई, यंग फ्लावर्स की। यंग फ्लावर्स यानी छोटे छोटे खिले हुए सुंदर सुंदर फूलों की एक तरह से बारिश हुई, उसके ऊपर बहुत सारे फूल आकर गिरे। फेल अपॉन द चाइल्ड, उस बच्चे पर, वो जो यंग फ्लावर्स थे उसकी शावर यानी बहुत सारे फूल उस पे गिरते हैं जब वो कहाँ जाता है, ही एंटर द ग्रोव, जब वो उस बागान में उस बगीचे में एंटर करता है तब वो जो फ्लावर्स है वो उस पे गिरते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और जैसे ही उसके ऊपर वो फ्लावर्स गिरते हैं वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है, ठीक है ना, बच्चा है। इस पूरे स्टोरी में ये दिखाया गया है कि बच्चे किस तरह से होते हैं, बच्चे को क्या क्या चीजें आकर्षित करती है, बच्चा है छोटा सा, उसको तो हर नई चीज आकर्षित करती है, एक चीज पर अटका हुआ है, उसको नई चीज दिख गई तो उसको छोड़ के वो वहां भाग जाता है, बच्चे ऐसे ही होते हैं, तो बस उसी के बारे में यहाँ आपको बताया गया है। तो अब जैसे ही वो अंदर आया बहुत सारे फ्लावर्स उस पर गिरते हैं और वो वापस भूल जाता है कि उसको उसके पेरेंट्स ने आवाज लगाई थी। He began to gather the raining petals in his hand. Raining petals, raining क्या होती है? रेन तो पता ही है। Petals क्या होती है? Petals यानी पंखुड़ियाँ। ये जो फ्लावर्स की पेटल्स होते हैं ना, पंखुड़ियाँ जिसे कहते हैं, तो वो अपने
हाथ में वो कलेक्ट करता है जो उसके ऊपर रेन हुई थी, यानी जो उस पर गिरी थी, उन फ्लावर्स की पंखुड़ियों को वो अपने हाथों में कलेक्ट करता है। बच लो, लेकिन देखो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स। अब अचानक से उसको क्या दिखाई देती है, उसको क्या आवाज सुनाई देती है, कूइंग ऑफ डव्स। डव पता है ना, डव साबुन नहीं, ये वाला डव, देखिए मैंने यहाँ एक सुंदर सी पिक्चर ली है आपके लिए। तो डव की कूइंग की आवाज उसे सुनाई देती है, एंड रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और भागता अपने पेरेंट्स के पास जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो उसने क्या क्या देखा, उसने टॉयज देखे, उसके बाद उसको उसकी मम्मी ने वो सरसों के खेत दिखाए थे, फिर उसको रास्ते में वॉर्म्स इंसेक्ट दिख जाते हैं, फिर वो बागान में आता है जहाँ उस पर बहुत सारे फ्लावर्स गिरते हैं और वो उन फ्लावर्स में खो जाता है, उनको वो उठा ही रहा होता है अपने हाथों में, इतने में उसको क्या दिखता है, डव की उसको आवाज सुनाई देती है, वो भागता हुआ जाता है अपने पेरेंट्स के पास और शाउटिंग आवाज देता है पेरेंट्स को। मतलब हमें कोई नई चीज दिखती है, बच्चों को दिखती है तो वो बताते पापा पापा वो दिखा मुझे, वैसे ही वो एक्साइटमेंट में अपने पेरेंट्स के पास जाता है और कहता है द डव द डव। डव आपको पता ही क्या होता है, वो डव की ओर बताता है कि द डव द डव। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और वो भूल जाता है उसके हाथों में क्या है, वो पेटल्स है, वो पंखुड़ियां है, वो भूल जाता है, क्यों, उसको अब नई चीज दिख गई, ठीक है, जिसको वो एंजॉय कर सके, तो हाथों से जो उसके जो फ्लावर्स की पंखुड़ियां थी वो वहीं गिर जाती है। कम चाइल्ड कम, वो अपने बच्चे दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उसके पेरेंट्स अब वापस उस बच्चे को आवाज लगाते हैं कि बेटा आ जाओ आ जाओ। Who had now gone running in wild capers round the banyan tree? उस बच्चे को आवाज लगाते हैं, मतलब बता रहे हैं कि वो बच्चा अब क्या कर रहा है, वो बच्चा अब भागता हुआ wild capers round, capers क्या होता है, मस्ती करते हुए, बदमाशी करते हुए, ठीक है ना, वो बच्चों वाली जो शरारतें होती है ना उसके लिए आया है यहाँ capers। तो बच्चा जो round the banyan tree है, ठीक है ना, उस बागान में कहीं बैनियन ट्री है, उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, शरारतें कर रहा है, जो भागकर उस साइड गया है, उसके पेरेंट्स उस बच्चे को वापस बुलाते हैं। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ व्हिच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। एंड गैदरिंग हिम अप, यानी उन्होंने उस बच्चे को आवाज लगाई और उसको अपने साथ लेते हुए साथ लेते चलते, दे टुक द नैरो, उन्होंने कौन सा रास्ता, कौन से रास्ते में से वो वापस मेले की तरफ गए, नैरो यानी संकरी, विंडिंग फुटपाथ, विंडिंग फुटपाथ यानी हवा से, हवा हवा चल रही थी, ऐसा फुटपाथ था, विच लेड, जो कहाँ चलता है, मतलब जो रास्ता कहाँ पहुंचता है, विच लेड टू द फेयर, वो रास्ता जो फेयर की तरफ यानी मेले की तरफ निकलता है, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड फील्ड में से। तो देखिए एक बार वापस देखते हैं क्या सेंटेंस क्या बता रहा है, कि जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को आवाज देते हैं, उस बच्चे को जो कि शरारत करता हुआ बैनियन ट्री के राउंड राउंड घूमता है, भागता हुआ वो साइड चला जाता है, और उस बच्चे को लेकर उसको गैदर अप करके, मतलब उसको साथ में लेते हुए वो एक संकड़ी सी विंडिंग फुटपाथ की ओर जाते हैं, जो कि मस्टर्ड फील्ड यानी सरसों के खेत में से होते हुए कहाँ जाती है, मेले में जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया है यहाँ तक की स्टोरी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एज दे नियर द विलेज, एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ full of throngs conversing to the whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। अब क्या होता है, वो मस्टर्ड फील्ड में से होते हुए एक गली पकड़ के विलेज की ओर जो मेला है वहां पहुंचते हैं। एज दे नियर द विलेज, जैसे ही वो उस गांव में वापस पहुंचते हैं जहां मेला है, जो बच्चा है द चाइल्ड कुड सी, क्या देखता है वो,
मैनी अदर फुटपाथ. अब उस बच्चे को और भी बहुत सारे फुटपाथ दिखाई दे रहे हैं, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, पूरे के पूरे किससे भरे हुए, थ्रॉन्ग्स से भरे. थ्रॉन्ग्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रॉन्ग्स स्टूडेंट्स? ये वर्कैब है, आप इन वर्ड्स को देखेंगे, आप इन वर्ड्स को जानेंगे समझेंगे तभी आपकी वर्कैब अच्छी होगी. आप है सिनोनियम्स, आपने चार पांच रट लिए, आपने एंटोनियम्स रट लिए, उनसे कुछ नहीं होगा. आप जब चैप्टर पढ़ते हैं उनके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको अच्छे से समझिए, उन्हीं के सिनोनियम्स एंटोनियम्स देखिए, जिससे क्या होगा आपकी वर्कैब स्ट्रांग होगी. वर्कैब स्ट्रांग करने का जो फर्स्ट और बेसिक मेथड है वो यही है कि आप अपने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिए. उसके बाद न्यूज़पेपर्स आते हैं, फिर सिनोनियम्स एंटोनियम्स आते हैं, बट फर्स्ट थिंग इज हमें चैप्टर में से ही वर्ड्स को अच्छे से देखना होता है, क्योंकि इन चैप्टर्स में क्या होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए गए होते हैं. तो देखिए बच्चे को क्या दिखता है, बच्चे को और भी बहुत सारे फुटपाथ्स दिखते हैं जो किससे, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, थ्रॉन्ग्स से भरे हुए. थ्रॉन्ग्स क्या होती है, भीड़. मतलब वो जो रोड्स थी वो पूरी, जो फुटपाथ थी वो पूरी भीड़ भरी है. ठीक है, कन्वर्जिंग टू द वर्पूल. वर्पूल आपको पता है, एक एड भी आता था वर्पूल वर्पूल, याद है? तो वर्पूल क्या होता है, ऐसे जो घुमावदार ऐसे होते हैं ना, ऐसे एकदम इस तरह का, ये होती है वर्पूल. तो ऐसा लग रहा हो कि जो फेयर है, जो मेला है, वो पूरा एक इस तरह का चक्रव्यूह सा बन गया हो, इतनी बहुत ज्यादा भीड़ थी. ठीक है ना, तो उस भीड़ को डिफाइन करने के लिए ये बताया गया कि मेला किस तरह से, किस तरह का दिख रहा था, पूरा भीड़ भरा और ऐसा कि एक चक्रव्यूह है, बहुत ज्यादा भीड़ एक दूसरे पर गिरी पड़ी हो ऐसे लग रही थी. एंड फेल्ट एट वंस, और एक बार उसे लगा, एट वंस यानी एक बार उसको ऐसा फील हुआ, रिपेल्ड. रिपेल्ड क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा भद्दा सा, घृणा जैसी, या फिर ऐसा लगाओ कि जैसे वो पीछे धकेला जा रहा हो, ऐसा उसको लग रहा था, क्योंकि भीड़ इतनी थी उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जैसे पीछे धकेला जा रहा हो. फिर भी एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन, फिर भी वो फैसिनेटेड था, आकर्षित था इस कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग. वो जो कंफ्यूजन थी उसकी, जो उस जिस वर्ल्ड में वो एंटर कर रहा था, वर्ल्ड यहाँ उस मेले को बताया गया है कि जिस वर्ल्ड में वो एंटर कर रहा था, जिस मेले में वो एंटर कर रहा था, उसकी उसमें उसको कन्फ्यूजन सा हो रहा था कि यार कितनी ज्यादा भीड़ है. ऐसा लग रहा था एक बार का उसको कि जैसे वो पीछे धकेला जा रहा है, फिर भी वो ज्यादा एक्साइटेड था. ठीक है, अ स्वीट मीट सेलर हॉप. स्वीट मीट सेलर, ये देखिए आपको एक सेलर की मैंने यहाँ छोटी सी क्यूट सी फोटो दी है कि हॉप्ड. हॉप्ड का क्या मतलब होता है, हॉकर्स पता है क्या होते हैं, रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा हॉकर्स होते हैं, वो आवाजें लगाते रहते हैं, ये ले लो वो ले लो, तो वो क्या होते हैं, हॉकर्स होते हैं. उसी तरह से ये जो बेचने वाले जो होते हैं, ठीक है, इनको हॉकर्स बोलते हैं, और हॉकर्स जो आवाज लगाते हैं उसको कहते हैं हॉक्ड. तो ये जो स्वीट सेलर था, स्वीट मीट सेलर है ये अंकल, समझ लीजिए हॉक यानी आवाज लगा रहे हैं, बेचना होता है ना, तो बेच रहे हैं आवाज लगाते लगाते. आपने देखा होगा सब्जी वब्जी लेने जाते हो, फ्रूट्स वगैरह लेने जाते हो, तो वो बैठे रहते हैं आवाज लगाते हैं इतने रुपए किलो वो वाले. तो ये जो स्वीट के जो सेलर थे, मिठाई बेचने वाले जो अंकल है, ये क्या कर रहे हैं, ये भी आवाज लगा रहे हैं. ठीक है, क्या आवाज लगा रहे हैं, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, इतने सारी मिठाइयों के नाम. ठीक है, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, कहां पर है ये मिठाई की दुकान, जो एंट्रेंस है उसके एकदम कॉर्नर में है. एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और क्राउड, क्राउड क्या होती है, भीड़. क्राउड भी क्या होता है, रश कह सकते हैं, भीड़. देखिए स्टूडेंट्स, क्राउड हो गया, थ्रॉन्ग हो गया, ये क्या है, एक दूसरे के सिनोनियम्स है. आप इस तरह से सिनोनियम एंटोनियम्स लर्न कर सकते हैं. तो बहुत ज्यादा क्राउड थी, जो उसके जो काउंटर था, काउंटर आपको पता ही, ये जो काउंटर होता है, क्या देखिए, ये जो काउंटर होता है जहाँ वो खड़ा है, उसके आगे का जो काउंटर होता है, जो भीड़ थी उसने पूरा उस काउंटर को घेर रखा है. अब क्या होता है ना, इतनी भीड़ रहती है तो पता नहीं चलता किसकी दुकान है, तो वो क्या चिल्ला चिल्ला कर बेचते हैं ताकि जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल जाए. तो जो भीड़ थी उसने उस पूरे काउंटर को ऐसे घेर रखा था. एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स,
आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स का क्या मतलब हुआ? आर्किटेक्चर आपको पता ही है, जो बिल्डिंग बिल्डिंग्स को डिजाइन वगैरह करते हैं, मतलब उनका, ठीक है। वैसे ही ये जो स्वीट सेलर था, जो बेचने वाला था, इसने भी अपनी दुकान को इतना सुंदर सजा रखा था डिफरेंट मैनी कलर्ड स्वीट, यानी अलग अलग देखिए कलर्स की मिठाइयों से इसने अपना जो एंट्रेंस है उसको बहुत ज्यादा सुंदर सजा रखा था। डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड की पत्तियों से डेकोरेट कर रखा था। इसका मतलब ये नहीं कि सिल्वर की और चांदी और सोने की उसने पत्तियां लाकर डेकोरेट किया था, नहीं। आपने मिठाइयां देखी होगी, उसपे जैसे कतली देख लीजिए, बर्फी देख लीजिए, उसपे एक व्हाइट कलर का वो लेयर लगा हुआ होता है जिसे हम बर्फ कहते हैं, तो वही चीज उसने बता रखा है कि मिठाइयों को डेकोरेट कर रखा था इस तरह की सिल्वर और गोल्ड लीव्स से। द चाइल्ड स्टेड अपॉन आइड एंड हिज माउथ वॉटर्ड फॉर द बर्फी। अब इतनी सुंदर दुकान और इतने खूबसूरत, इतने सारी मिठाइयाँ, बच्चा, छोटा सा बच्चा, तो मिठाई देखकर, बर्फी देखकर उसके मुंह से पानी आ गया, कहते हैं ना मुंह में पानी आ जाना, तो मिठाई यानी बर्फी, बर्फी देखकर उसके मुंह से पानी आ गया, उसका मन हुआ खाने का। पानी आना मतलब लिटरली पानी आना नहीं, बट वो होता है ना मन करना, जी ललचाना, वो तो बर्फी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। दैट वॉज हिज फेवरेट डिश, क्यों? क्योंकि बर्फी उसकी फेवरेट थी, फेवरेट स्वीट, उसकी फेवरेट मिठाई थी। I want that burfi, he slowly murmured. Murmured क्या होता है? Lip-sync करना, धीरे-धीरे बोलना, वो धीरे से बोलता है कि मुझे वो बर्फी चाहिए। धीरे से क्यों बोलता है? पता है नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो धीरे से मन ही मन ऐसे बोलता है कि मुझे बर्फी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद का जो चैप्टर है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज जितना पढ़ाया है आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, डिफिकल्ट वर्ड्स को आप नोट डाउन करके रखिएगा अपनी नोटबुक में और उसको लर्न कीजिएगा, उसी के सिनोनिम्स भी देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको पसंद आया वीडियो। डू लाइक, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट इफ आपको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।